हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड, आज है छुट्टी, तो आज बहुत सारा गार्डन का वर्क सुबह से ही किया है और कर रहे हैं अभी तक। तो जैसे कि मैं आपको अपने हर होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं अपने प्लांट्स को जो होममेड फर्टिलाइज़र है वो बनाती हूँ और देती हूँ, तो आज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, कंपोस्ट जो भी है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ट्रे में, ये मूंगफली के छिलके हैं और इसमें कुछ अखरोट के छिलके भी हैं जिसे हम कभी भी नहीं फेंकते हैं, और हमेशा इसको पीस के मिक्सी में सॉइल के साथ इसको ऐड कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सॉइल है और इस तरह से इधर भी है, तो इसमें इसको हम हमेशा सॉइल में ऐड कर लेते हैं जिससे आपकी जो सॉइल है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाती है और आपके जो प्लांट्स हैं उनको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है ये, और मैं आपसे तभी शेयर करती हूँ जब मैं किसी भी चीज़ को उसका रिज़ल्ट देख लेती हूँ। तो काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एक तो इससे आपकी जो सॉइल है वो भी आपको मतलब कम लगती है, अगर मिट्टी की समस्या रहती है तो आप इसमें थोड़ी सॉइल मिला करके अगर प्लांट्स को लगाते हैं तो बहुत बेस्ट रहती है, प्लांट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। आप देख सकते हैं जो छिलके हम फेंक देते हैं, विंटर में सभी मूंगफली खाते हैं, तो उनको फेंकने से अच्छा है कि आप उसका इस तरह से यूज़ करें, और मैं हमेशा करती हूँ, और तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये देखिए इधर भी सॉइल, ये देखिए जो ये कंपोस्ट मतलब बनी हुई पूरी खाद वाली मिट्टी है, इसको भी अभी हम गमलों में भरेंगे क्योंकि ये हमने इसमें वेजिटेबल्स वगैरह के जो भी घर में छिलके होते हैं, मूँगफली वगैरह के छिलके, ये पहले पीसे नहीं थे, इसमें हमने डायरेक्ट ऐड किए थे। ये काफ़ी पुरानी बनाई हुई खाद है, तो जो मटके में हमने तैयार की थी, और ये देखिए कितनी अच्छी ये सॉइल जो है रेडी हुई है। इसमें सारे सब्जियों के बनाना वगैरह जो भी होते हैं सब्जी के छिलके, उस सबको ऐड करके बनाई गई है। बहुत ही बेस्ट सॉइल रेडी हुई है ये बन के, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली सॉइल जो है, इसमें हम इस जो मूंगफली के ये छिलकों का जो ये पाउडर बनाया है, बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं किया है, ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा बारीक करने की, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो कम से कम 3-4 बार हम विंटर में इसको इतना बना चुके हैं, तो अब ये लास्ट वाला था क्योंकि अभी जो मूंगफली थी अब ख़त्म हो गई है और अब ये दोबारा आने के बाद ही बनेगा, तो मैंने सोचा लास्ट वार का जो है तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। और ये देखिए सॉइल में अब इसको ऐड कर देंगे, इससे हमारी जो सॉइल है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाएगी, और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत बेस्ट होती है क्योंकि जो भी हैंगिंग बास्केट आपको टांगने होते हैं ना, उससे जो है आपका जो पॉट है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है, प्लांट्स में भर भर के फूल आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप सिर्फ एक बार इसको ट्राई करें तो कोई भी समस्या जो है वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि इस मूंगफली के छिलके में भी ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन तो हर उसमें होता है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, और बस मुझे यही शेयर करना था, और जब मैं इसको लगा दूँगी तो मैं वो भी शेयर करूँगी। और आज ये देखिए सब इस तरह से फैलाया हुआ है, और प्रोफेसर जी सुबह से आज ये काम करने में लग रहे हैं, ये आप देख लीजिए इस तरह से इनको बिठाया है मैंने, और पूरा गार्डन जो है वो इस तरह से बिखरा हुआ है। और कल रात से हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, तो इतनी बारिश हुई तो मेरे जो प्लांट सारे गंदे थे वो भी सारे साफ़ हो गए हैं, तो आप देख लीजिए। और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है इस टाइम पर, तो अभी थोड़ा सा नीचे से फ्री होकर के आए हैं, बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है मेरे गार्डन का। मैंने बहुत सारे सैपलिंग्स मंगाए हैं विंटर के, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, उसका वीडियो अलग से बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये सारा, बस यही मुझे शेयर करना था। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, और अपने घर के किसी भी छिलकों को, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों चाहे ड्राई फ्रूट्स के हों, फेंके ना कहीं आपके गार्डन में वो ज़रूर यूज़ होंगे, बस उसका तरीका आपको आना चाहिए। तो बस यही है, और वीडियो अगर प्लीज़ अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।